भुर्जी समाज के प्राचीन मंदिर की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर भुर्जी समाज के लोगों ने बिजनौर कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। स्योहरा थाना क्षेत्र के ग्राम बुढ़नपुर में भुर्जी समाज का प्राचीन मंदिर है। समाज के लोगों की माने तो सैकड़ों वर्ष पुराने श्री चंद्रदेव महाराज के प्राचीन मंदिर में पारंपरिक तौर पर पूजा अर्चना भी की जाती है। पिछले कुछ सालों से स्थानीय लोगों ने मंदिर की भूमि पर नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया और मंदिर की मूर्ति और तस्वीरें भी गायब कर दी। मंदिर की भूमि को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर समाज के लोग कई बार आला अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। उस मंदिर पर कुछ अराजक तत्व तोड़ फोड़ कर स्वरूप बदल कर कब्जाना चाहते हैं। पुराने शिलालेख उन्होंने भुर्जी समाज नाम के उखाड़ करके फेंक दिए। मूर्ति वहाँ से चोरी कर ली, देवता महाराज की तस्वीर वहाँ से हटा दी। वहाँ पर जो है हम भुर्जी समाज के लोग वहाँ जाते हैं तो वो गुंडागर्दी करते हैं। इसकी शिकायत हमने की है, लेकिन इसकी सुनवाई कोई हो नहीं रही है। लगभग ये मामला तो चल रहा है लगभग पिछले 10 सालों से, लेकिन ये 2017 में तो उनकी गुंडागर्दी की पराकाष्ठा हो गई है। वो लोग स्थानीय लोग हैं, उनका एक सुरेंद्र नाम है, एक संजय है, एक ऋषि राम है, एक सुनील है और एक अशोक हैं और एक चंद्रपाल। वो कब्जा करना चाहते हैं, तोड़फोड़ करना चाहते हैं वहाँ पर, और तमाम बाउंड्री वगैरह तक उन्होंने वहाँ की ढा दी है। एक ही बाउंड्री में वो मंदिर और धर्मशाला है और वो शासन से हमने गुहार लगाई है। हमारी सुनवाई तक नहीं हुई है तो हम आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अपनी ये फरियाद पहुंचाने के लिए आए हैं। हमें विश्वास है कि योगी सरकार में हमें ज़रूर न्याय मिलेगा, और यदि हम आज चूँकि हम योगी जी के लिए ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आए हैं, अगर हमारी फरियाद सुनवाई नहीं हुई तो हम सत्याग्रह के लिए बाध्य होंगे। पूरा भुर्जी समाज इसके लिए एकजुट है।